नमस्कार मित्रों, एजुकेट बी यूट्यूब चैनल अंदर धोरण 11 विज्ञान प्रवाह विद्यार्थियों हार्दिक स्वागत है। पहला तो तमे आया छो तो हूँ एवं नहीं कहूँ कि सब्सक्राइब करो, केम के अमे लोग तमारी हेल्प करवा मांगी छे। हेल्प तमने एवं फील थाय कि येस बॉस कम्प्लीट जोरदार हेल्प थी गई है तो सब्सक्राइब करजो, बराबर। तो फर्स्ट बायोलॉजी अंदर जो तमारी ब्लू प्रिंट है एजुकेट बी टेलिग्राम पर आ गई है, पेपर की स्टाइल बधुँ आ गयी है, पर सर क्वेश्चन क्या पूछाशे आ बदा क्वेश्चन हो तरह बायोलॉजी मेन मेन फेकल्टीज आखा गुजरात की अंदर टॉप 10 फेकल्टीज मेरी पास कॉन्टेक्ट में है। एट ए पूछू सर एवं ब्लू एवं क्वेश्चन 10 अमने आपो कि जी गुजरात बधा विद्यार्थियों ने काम लगे, केम के कदाच जो कोई स्कूल में पेपर अलग पूछाए तो विद्यार्थी शू कर से? तो ये क्वेश्चन तमने हूँ आप जा रही हूँ। पहलो प्रश्न है नामकरण मेना सार्वत्रिक नियमों लखो, तो आमा तमने एक क्वेश्चन आ सके चैप्टर नंबर 1 अंदर थी। बीजो प्रश्न है वर्गीकरण की कक्षा जाति समझावी अने कोष्टक नंबर 1.1 घणा बधा शिक्षकोए मने एवुं कीधुं छे विद्यार्थीओने कहो कोष्टक 1.1 करे, पेज नंबर 8 उपर छे, बराबर। पछी 5 सृष्टि वर्गीकरण जे पद्धति छे एनुं कोष्टक आखुं तमने करवानुं छे, खूब ज उपयोगी आ कोष्टक छे, आ करी जजो एक्जाम में फेल नहीं थवाय, पूरेपूरा रोकड़ा मार्क्स आवशे तमारा। पछी बेसिडियो माय सिटीज अने ड्यूटेरोमाइसिटीज आज क्वेश्चन है ये तमे करी लेजो, बे इम्पोर्टंट मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन है। त्यारबाद आपणे जईशुं प्रकरण 2 पताई दीधो, प्रकरण 3 में आया। प्रकरण 3 नी अंदर लीलना उपयोगों खूब ज उपयोगी प्रश्न है, लीलना उपयोगों करी लेवाना, बे ज प्रश्न करो। लीलना वर्गीकरण में क्लोरोफाइसी वर्ग उदाहरण साथ तमने समझावानो छे, क्लोरोफाइसी वर्ग ने तमने बेटा उदाहरण साथ समझावानो छे, आ वात पर सब्सक्राइब थई जाय। एक बीजी एक वस्तु चैप्टर नंबर 5 नी अंदर एक दड़ी ना बीज नी अंतस्थ रचना आकृति साथ समझावानी छे। एक दड़ी वनस्पति अने जोड़े जोड़े लई लेजो, द्विदड़ी वनस्पति नू बीज पण होय छे ने एनी अंतस्थ रचना बे मांथी एक 100% तमने पूछी लेशे एक्जाम में, बराबर। आ चैप्टर नी अंदर बीजो प्रश्न के भाई मूळना प्रदेश नी आकृति दोरो अने समझावो, तो मूळना रिलेटेड प्रश्न एक्जाम में दर वक्ते आवे छे एना पर फोकस करो। पछी छे द्विदड़ीना बीजना भागोनी आकृति स समझूती आपो, पछी एक दड़ीना जे अमुक भागो होय ए आपणने समझावानुं ए लोको पूछी शके छे, बराबर। एक हार्ट नो सिंबल तमे कमेंट करजो एटले अमने मजा आवे। देड़को, देड़को बहु इम्पोर्टेंट छे आनी अंदर, देड़कानुं जे नर प्रजनन तंत्र एक खास करजो पूछाय छे बायोलॉजीनी अंदर। पछी परिवहन तंत्र तमने समझावानुं छे, उत्सर्जन तंत्र समझावानुं छे, आ त्रणेय प्रश्न मारा तरफथी। जरूरी आकृति जरूरी नथी, ओके आकृति बेटा अहींया जरूरी होती नथी। टूक नोंध लखवानी छे न्यूक्लिक एसिड पर, डीएनए पर तमने शू करवानी छे, न्यूक्लिक एसिड छे आ तो खाली, न्यूक्लिक एसिड पर तमने शू लखवानी छे, टूक नोंध लखवानी छे। उत्सेचकनी कार्य पद्धति समझावो, उत्सेचक केवी रीतना काम करे, आ 12मा धोरणमां पण आवशे तमने, उत्सेचक शू काम करे एवुं तमने समझावानुं छे चैप्टर नंबर 9 नी अंदर। ओलुं 7મું હતું દેડકાવાળું, દેડકા ને રાના ટાઈગરી ના કહેવાય, રાના ફ્રોમ ધ ટાઈ, ઓકે। चैप्टर नंबर 4 ની વાત કરીએ તો એમાં विहंग वर्ग ना प्राणियों ना लक्षणों जणावो उदाहरण साथ समझावानुं छे तमने, बराबर। बीजू छे सस्तन वर्ग समझावानो छे, वीडियो पाछळ लईने प्रश्नों लखी लीधा हशे, डॉट आई मीन टू से तमे लोको डाया छो, सस्तन वर्ग तमने समझावाना छे। पछी कास्थिमय अने अस्थिमय उदाहरण साथ समझावानुं छे अने तुलना करो, तुलना बेटा मतलब शुं थयो, तफावत आपो, तफावत आपो, कास्थिमय कोने कहेवाय ने अस्थिमय कोने कहेवाय, ओके। पछी छे प्रश्न चैप्टर नंबर 6 वाही पुल ना प्रकार समझावो, वाहक पेशी तंत्र नु वर्णन करो, वाही पुल शू छे एना प्रकार समझावो अने वाहक पेशी नु वर्णन करवानुं छे। अने एक दड़ी प्रकांड अने द्विदड़ी प्रकांड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छे 11th नी अंदर, एक दड़ी अने द्विदड़ी प्रकांड। नेक्स्ट, ओके, चैप्टर नंबर 8 फाइनली कणाब सूत्र की आकृति दौरवानी है समझावानुं छे। कणाब सूत्र की सूत्र व्हाट इज कणाब सूत्र, कणाब सूत्र एटले के पावर हाउस कहेवाय आपणा कोषोनु, बराबर। तो कणाब सूत्र की आकृति दौरो अने तमे समझावो, पछी हरित कण जे छे एनी आकृति दोरी अने समझावो, हरित कण कोने कहेवाय, बराबर। तो वनस्पति की अंदर हरित कण जोवा मळतो होय छे, मूलभूत कोष तरीके तमे हरित कण ने लई शको छो, हरित कण नी जे छे ए आकृति दोरी अने तमने समझावानी छे, कणाब सूत्र की आकृति दोरी अने समझावानी छे। आ जे वनस्पति कोष की शोध तमने खबर छे धोरण 9 માં ભણ્યા છે
રોબર્ટ હુકે કરી હતી. રોબર્ટ હુક તમારા ફિઝિક્સની અંદર પણ એટલા જ કામ લાગશે, જેમ કે હમણાં 11 સાયન્સમાં બીજી ચોપડી આવશે જેમાં આપણે લોકો ભણીશું કે હુકનો નિયમ. એ જ આ રોબર્ટ હુક છે જેણે વનસ્પતિની શોધ કરી. બોલો કેટલું આશ્ચર્યજનક છે. તો આપણે એ શીખવા માટે હું છું હિતેશ કેટવી. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર તમને બહુ સારા સારા ફિઝિક્સના કોન્સેપ્ટ સમજાવીશ. આ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હતા જે આસપાસના ઘણા બધા સુપર ટેલેન્ટેડ બાયોલોજીના ટીચરોએ આપ્યા છે આપણને, બરાબર. અહીંયા લાલ બટન છે, સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આપણે ફાલતુ રીલ જોવા માટે એકદમ ફાલતુ ઇન્ફ્લુએન્સર્સને સબસ્ક્રાઈબ કરીએ છીએ, ફોલો કરીએ છીએ. એ લોકો તમને ટાઈમ વેસ્ટ કરીને આપે છે. લો બેટા, અમે તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કરીને આપી દીધો. ના, અમે તમને ભણાવીએ છીએ, સારું એજ્યુકેશન આપીએ છીએ, દેન વી ડિઝર્વ યોર સબસ્ક્રિપ્શન્સ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.